अलग अलग पंचायतों से आज सभी लोग हरमो मैदान पहुंचे हैं, जो कि आज बीजेपी की ओर से सभी पंचायत के जितने भी लोग हैं उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। मगर सबसे खास बात होगी कि सभी जिलों में क्या कुछ परेशानी है कि ये लोग आज उसको सुलझाना चाहते हैं। सर आप किस कहाँ से आए, कौन से जिले से आए हैं? मैं कोडरमा जिला के मरकच्चे प्रखंड से, और वहाँ अभी जो आपने जो बात रखी मैडम, सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार बनने के बाद जो मूलभूत सुविधा है लोगों को आगे बढ़ने के राज्य में, जो सबसे बड़ा बात है शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान में सबसे बड़ी बात है कि अभी आज तक जितनी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए शिक्षक की नियुक्ति वो नहीं हो पाया है, उसमें भी प्रभावित हो रहा है। दूसरा बात है कि वहाँ तक चाहे प्रखंड हो चाहे आपको पंचायत हो, उस स्तर पर अभी एक पंचायत सचिव को तीन तीन पंचायत दिया गया है, वह अभी उससे भी प्रभावित हो रहा है। प्रखंड में जाइए या अंचल में जाइए, उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है सो जो सरकारी स्टाफ है उसकी भी नियुक्ति नहीं हुई है। आपको सरकारी कर्म जो राजस्व कर्मचारी भी, आपको एक एक कर्मचारी को तीन तीन हल्का दिया जाता है, खास करके इसको आगे बढ़ने के लिए ये आपका जो सरकार के स्तर से होना चाहिए वो एक भारी कमी है। दूसरा बात है अभी जो वर्तमान में जो सरकार निधि देती है पंचायत को, तो हम समझते हैं पंचायत के निधि में जैसे सबसे पहले स्वच्छ भारत के लिए बना है आपका शौचालय, शौचालय में सरकार अगर सोच के साथ जिस तरह से सभी को शौचालय का निर्माण के लिए आपको बनाया गया है, हम समझते हैं उसमें राशि बढ़ोतरी करके और निजी मकान में उसको बनाने के लिए अगर छूट दिया जाए और बेहतर कुछ अनुदान की राशि 12,000 में ग्रामीण क्षेत्रों में आपका बनता नहीं है आपका शौचालय, उसकी गिनती हो गई औने पौने भाव में। हम समझते हैं अगर एक मैक्सिमम कोई बनाता है शौचालय तो 50,000 से कम नहीं लगता है, आम आदमी बनाता है तो उसके पानी वगैरह व्यवस्था बना रखे मिनिमम 50,000, और वही राशि अगर सरकार जिस तरह से घर में दे रही, पहले वृद्धा आपका आवासीय आपका इंदिरा आवास दिया करता था 20,000 का, तो उसी तरह से छोटा सा छत होता था अब हो गया 40,000, उससे ज़रा विकराल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको कर दिया 1,40,000 रुपया, अब लगता है कि एक रूपरेखा के अनुसार लोगों का घर बनता है। और उसी तरह से उसमें अगर स्वच्छता विभाग के लिए अगर आपका शौचालय का निर्माण, हर घर में शौचालय का, हम समझते हैं इसका अनुदान अगर 50,000 कर दिया जाए और कुछ राशि अपने जनता लगा करके काम करे तो बृहद पैमाने में यह एक आपका क्या कहते हैं आपको, जिस तरह से आपका मुक्त अभियान जो चलता है स्वच्छ भारत के लिए वो आपको मिट सकता है। सर आज जिस तरीके से हेमंत सोरेन सभी के घर घर जा रहे हैं, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए आज कोडरमा जिला वो गए हैं और अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है राज्य में अलग अलग परेशानियां हैं, क्या उन सभी चीज़ों को वो देख पा रहे हैं? जैसे देखना कार्यक्रम करना एक अलग बात है, कोडरमा गए हैं मैंने सौभाग्य है कि कोडरमा गए हैं, लेकिन होता क्या आगे जनते यह है कार्यक्रम का नाम है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। सरकार द्वार आपके कार्यक्रम में होता क्या है कि आपका जनता से मूलभूत सुविधा का जो भी आपका परेशानी होगा यह कार्यक्रम में शिविर में उसको समापन करने की बात कही जाती है। उसमें आपको किसी तरह का मान लीजिए आपका फॉर्म आ गया आपका वृद्धा पेंशन का देन दे रहा आप 100 फॉर्म आ गया उसको 50 का वहीं स्वीकृति हो गई, इसके बाद आ गया आपका 50 फॉर्म आपका दूसरे चीज़ों का आ गया बिजली विभाग से आ गया उसका निष्पादन हो गया, उसी तरह से किसी तरह का आपका और आवेदन आ गया, मैंने सभी विभाग का जिस तरह से लाया जाता है फार्म उसका अगर 25% निष्पादन अगर उसी शिविर में किया जाए तो एक लाभकारी हो जाता है। फॉर्म लीजिए जमा कीजिए चलिए खाना पूर्ति हो गया, अब गदाल खाता में कहाँ गया फार्म कहाँ चला गया उसकी लाइबिलिटी होनी चाहिए। अभी हमारे पंचायत में लगा हमने निर्धारित लक्ष्य पूछा कि आखिर में गाय के लिए आपको सरकार ने निकाली कि 2 गाय पर 1,35,000 रुपया मिलेगा, 5 गाय पर आपको उसको 3 लाख रुपया मिलेगा अनुदान के रूप में, 50% महिला को मिलेगा 50% आपको जो पुरुष को मिलेगा, आखिर में एक निर्धारित होनी चाहिए कि पंचायत में कितने लोग फॉर्म दे सकते हैं। फॉर्म आ गया 100 आप दीजिएगा 5 उससे उसको क्या मिला, इसलिए इसके निर्धारित मापदंड होनी चाहिए जहाँ भी लगे शिविर उसके एक मापदंड होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई वृद्धा पेंशन फार्म भरा और भर के चला गया उसका निष्पादन देन देर वहाँ शिविर में होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता है, यह एक तरह का हम समझते हैं कि खाना पूर्ति कहिए इसको। तो
कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये आए ज़रूर है यहाँ पर, इनका स्वागत जो है, अभिनंदन जो है वो ज़रूर यहाँ पर किया गया है, मगर राज्य सरकार से कई सारी निवेदन जो है उन्होंने ये किया यहाँ पर, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं कार्यक्रम के दौरान, फॉर्म्स आ रहे हैं, तो उसको देन एंड देयर वहाँ पर सुलझाना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी आगे ना हो। जो लोग शिविर के बाद इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन होगा, हमारी परेशानी का निदान ज़रूर सरकार करेगी, वो नहीं हो पाती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने ज़िले की परेशानी इन्होंने साफ तौर पर बताई है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा, नमस्कार।